दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A35 5G मोबाइल का। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डब्बा है और इसका जो है अनबॉक्सिंग जो है कर चुके हैं, क्योंकि ओपन बॉक्स जो है डिलीवरी होता है, तो यहाँ पे ओपन बॉक्स जो है हो चुका है, उसका वीडियो मैं जो है लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में। इसका प्राइस आपको जो है अमेजोन पे आपको 29,000 से लेके 34,000 के बीच में मिलेगा, लेकिन इसको जो है हम फ्लिपकार्ट से परचेज किए हैं। आप दोनों साइट पर से परचेज कर सकते हैं, चाहे तो सैमसंग के वेबसाइट पर भी जाके जो है इसको परचेज कर सकते हैं। A35 5G मोबाइल है सैमसंग का। चलिए इसको जो है खोलते हैं, यहाँ पे सील को जो है ब्रोकन करते हैं। इसका जो है एक अलग से ही जो है अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाते हैं। तो मेरे पास अनबॉक्सिंग करने का एक नया औजार आ चुका है, इससे हम अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका सील जो है ब्रेक करते हैं, ये देखिए ये उखड़ गया। अब जो है इसका सील जो है ब्रेक हो चुका है और इसको निकालते हैं, ये देखिए निकल गया। तो इसी तरह से आपका फ़ोन जो है पैकिंग होके आएगा। इसके अंदर ये बॉक्स रहेगा जिसमें आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। एक डाटा केबल मिलेगा CYC पिन का, काफ़ी महंगा डाटा केबल होता है CYC। एक जो है एक कागज़ का टुकड़ा मिलेगा जिसका कोई काम नहीं है, और ये तो कोई काम का नहीं है। सिम इजेक्टर टूल भी रहता है जो कि मेरे जेब में है, रुकिए निकाल कर दिखाते हैं कौन सा वाला था। तो ये वाला था, इसको भी रख देते हैं। और मेन कंटेंट जो है फ़ोन है, इसके अंदर फ़ोन इस तरह से था। इसको जो है आप ऐसे कीजिए, उसके बाद जो है ऐसे निकालिए किताब की तरह, और ये फ़ोन इस तरह से आपके हाथ में आएगा। तो ये जो है रेड कलर है, देख सकते हैं सिल्वर कलर जो है स्टॉक ख़त्म था, ब्लैक कलर तो कोई पसंद नहीं करता है, तो यहाँ पे हल्का रेड है। फ़ोन को जो है हम चालू भी कर चुके हैं, लॉक वॉक लगा दिए हुए, देख सकते हैं फ़ोन जो है स्टार्ट हो गया। आप देखिए यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाके जो है हम आपको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। तो 6.1 जो है इसके अंदर दिया है, एंड्रॉयड 14 पे आया है, देख सकते हैं। और मैं आपको क्या दिखाऊँ, और दिखाने के लिए इसमें कुछ है नहीं। कुछ सेटिंग सब जो है आपको सैमसंग के हर फोन में मिल जाएगा, जो सेटिंग इसके अंदर दिया हुआ है। कोई एक्स्ट्रा फीचर इसके अंदर है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। इसमें ब्राइटनेस जो है 500 निट्स है। हम स्टोरेज में आपको लेके चलते हैं, इसका स्टोरेज एक बार देख लेते हैं चेक करके। ये स्टोरेज में जो है यहाँ पे आप स्टोरेज को जो है इंक्रीज कर सकते या नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज कहाँ पे मिलेगा, देख सकते हैं नहीं मिल रहा है। चलिए ऊपर सर्च करते हैं STOR, स्टोरेज डिवाइस केयर के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे सो मोर 256 GB वाला है, देख सकते हैं 256 GB का वेरियंट है। और यहाँ पे 24 GB, 256 GB, 24 GB यूज है 256 GB में से। ऑडियो फाइल 20, इमेज फाइल 12 MB, बाकी सब खाली है। ऐप 7 GB है। सिस्टम जो है 15 GB सिस्टम है इसका, और अदर फाइल 2 GB है। अभी कुछ इसमें है नहीं, लेकिन देखिए ये इतना जो है बता रहा है। ऑन यूज 2 GB, तो इसका सेटिंग जो है हमें करना पड़ेगा, तब जाके जो बैक बटन आएगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइस केयर के अंदर फिर से लेके चलते हैं, इसका रैम देखते हैं, ठीक है। रैम RAM, रैम प्लस मेमोरी देखते हैं कि क्या है, 8x16 बना सकते या नहीं बना सकते। तो रैम प्लस में 4 GB दिया हुआ है, 4, 6, 8 ही बना सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे 4, 6, 8 जो है बना सकते हैं। रीस्टार्ट करेंगे तब बनेगा। तो फ़ोन का आप लुक देखिए, जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक फ़ोन का लुक जो है देखने में कैसा है, देख सकते हैं लुक वाइज तो फ़ोन काफ़ी बवाल दिखने में लग रहा है। नीचे की तरफ आपको देखिए स्पीकर जो है किस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, सी टाइप हो गया,
ये हो गया माइक, नॉइज कैंसलेशन माइक, और ये सी टाइप हो गया, देख सकते हैं सी टाइप तो ये हो गया। और ये जो आप साउंड का जो स्पीकर देख रहे हैं ये भी सी टाइप का ही बनाया हुआ है, लेकिन हल्का जो है पतला किया हुआ है, देख सकते हैं सी टाइप ही है। ऊपर की तरफ देखिए सिम इजेक्टर पिन जो है, लगाने के बाद ये सिम निकलेगा देखिए, और देखते हैं इसके अंदर सिम, सिम तो लग चुका है एक। इधर आप सिम टू लगा सकते हैं या आप एसडी कार्ड इसमें लगा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो है अब एक ही सिम का यूज करता है, सिम का रिचार्ज काफ़ी महंगा हो चुका है, इसके कारण जो है शायद इस फ़ोन में एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। ऊपर की तरफ एक माइक मिलेगा, और बिल्ड वाइज क्वालिटी देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये पीछे ग्लास लगा हुआ है, ये ग्लास लगा हुआ है कि क्या है पता नहीं। इसका थोड़ा कैमरा हम आपको दिखाते हैं, ठीक है, कैमरा देखिए कि कैमरा इसका कैसा है। कुछ फ़ोटो हम इसमें क्लिक भी किए हैं, देखिए हम आपको कुछ फ़ोटो दिखाते हैं, क्लिक किए थे कुछ फ़ोटो, ये देखिए फ़ोटो, चलिए ये फ़ोटो दिखाते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं फ़ोटो तो काफ़ी बढ़िया है, फ़ोटो तो काफ़ी बढ़िया आया है दोस्तों। कैमरा एक बार दिखाते हैं कैमरा कैसा है, देखिए इसका कैमरा टेस्ट करते हैं, ये देखिए कैमरा, और ये वीडियो हो गया। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये फ़ोन कैसा है और इसका प्राइस जो है कितना तक रहना चाहिए था। इस फ़ोन का देखा जाए तो बेजल काफ़ी ज़्यादा है, चारों साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेजल है, इधर से भी 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 बेजल है। और कैमरा में एक ख़ास बात यहाँ पे ये है कि कैमरा क्लिक करते वक्त जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे जो है सेल्फी कैमरा में बड़ा हो जाएगा, ये देखिए सेल्फी कैमरा में काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, ये जो भी सिस्टम है सेल्फी कैमरा में बड़ा हो जाता है, ठीक है। बाहर निकलते ही जो है ये आप देखिए बाहर निकलते ही ये हट जाता है। मेरा एक दूसरा फ़ोन उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन ये जो यहाँ पे बड़ा हो जाता नहीं ये काफ़ी दिक्कत करता है, ठीक नहीं लगता रहता देखने में। तो ओवरऑल हम जो यहाँ पे काम का चीज़ था वो सब हम आपको दिखा दिया है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार है। इसका बैटरी जो है दोस्तों 5000 mAh है, और चार्जर तो दिया ही नहीं है, 25 वाट जो है चार्जर सपोर्ट करेगा इस फ़ोन में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। सैंतीस 15 होता है।